quickly get into the word without introduction. परमेश्वर के वचन जल्दी से वचन से बात करेंगे. I am amazed at God's love. परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है. Now there are different ways to break our hearts. हमारा हृदय को परमेश्वर तोड़ने के लिए कुछ अलग-अलग रास्ते, अलग-अलग मार्ग होते हैं. The world also break our hearts sometimes. दुनिया हमारा हृदय को तोड़ते हैं. Satan tried to break our heart. शैतान हमारा हृदय को तोड़ने की कोशिश करते हैं. Problems of the world, sicknesses, diseases, lack break our heart sometimes. बीमारियां और संसार की समस्याएं, जीवन की तकलीफें हमारा हृदय को तोड़ते हैं. People that we love can break our heart sometimes. हम जिसको प्रेम करते हैं वो लोग हमारा हृदय को कभी-कभी तोड़ते हैं. People who refuse to accept us and value us can break our hearts. जो लोग हमें आदर देना है और हम आदर देते हैं वो लोग हमारा हृदय को भी तोड़ते हैं. People whom we expect to understand us can misunderstand us and break our hearts. हम लोग हमें समझने की हम कोशिश करते लेकिन वो लोग हमें ना समझने के कारण हमारा हृदय तोड़ देते हैं. Another way that your heart can be broken. हमें दूसरा एक रास्ता भी मार्ग है जो हमारा हृदय तोड़ता है. When you comprehend and think about the love that this God has for you, it breaks your heart. आपका when you think about and meditate on the love that God has for you, it can break your heart. दूसरा एक तरीका है जब आप अपना जीवन में परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं वो बातों को आप जब समझ लेते हैं तब आपका हृदय टूट जाता है. When you reflect on that, when you think about that, and when you just say, Lord, how much you love me, there's a brokenness in your heart. जब आप अपना हृदय की गहराई से परमेश्वर को से कहते हैं प्रभु आप कितना मुझे प्रेम करते हैं तब भी आपका हृदय टूटते हैं. टूटा हुआ हृदय tears flow out of your heart with gratitude. तब आपका जीवन की आंखों से आंसू निकलते हैं. That's a good way to cry and be broken in our hearts before God. आमीन. वो एक अच्छा मार्ग है, अच्छा रास्ता है मारा हृदय तोड़ने का, तोड़कर जब परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना. I travel throughout the nation. मैं बहुत देश की अलग-अलग प्रांतों में मैं यात्रा करते हैं. One thing I love to come back to the Zion is. मैं बार-बार यहां पर वापस आने के लिए मैं एक चीज मुझे मजबूर करते हैं. Every time I come here, I get the brokenness of heart while worshiping God. जब भी मैं यहां पर आते हैं मेरा अंदर वो टूटा हुआ दिल मैं अनुभव करता हूं जब आराधना करने के समय. I feel so refreshed by the God's presence and the love which I experience in this house. मैं यहां पर आते हैं मैं ताजा बन जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में. मेरा हृदय टूट जाते हैं मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता हूं. I can't remember one time when I came to this house and I was not touched by God's Holy Spirit. मैं ऐसे कोई भी एक समय भी याद नहीं कर सकता है जब परमेश्वर में हम आते हैं मैं परमेश्वर को उपस्थिति को अनुभव ना करे. I think I want to call Zion a house of brokenness of heart. मैं Zion को मैं ऐसे कहते हैं जो टूटापन अनुभव करते हैं हम पर. And when you're broken, God can make you and build you well. जब आप टूटते हैं तब परमेश्वर आपको बनाने के लिए मदद करते हैं. The best way to allow God to make you and build you is to be broken in the presence of God's love. आप अपने आप को तोड़ने की परमेश्वर की उपस्थिति में तोड़ने की टूटने की कोशिश करें ताकि परमेश्वर आपको अपने तरीके से बना सके. That happened to me this morning. I was broken in my spirit. मैं अपना जीवन में टूटे हुए अवस्था में अनुभव किया परमेश्वर को महिमा मिले. I'll quickly give you this verse. मैं जल्दी से एक वचन से 2 Thessalonians chapter 1. दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय. And I bring you this word with respect and honor for you. इस वचन में बहुत आदर के साथ आपका सामने लेके आते हैं. We are in the presence of Almighty God. हम परमेश्वर का महान उपस्थिति का अधीन में हैं. And we are in the midst of the wondrous beloved children of God. हम परमेश्वर का प्रिय बच्चा है. And this is very important to share the truth of God's word with regard to God, reverence for God and reverence for people. परमेश्वर का वचन को आदर देना और परमेश्वर का लोगों को आदर देना बहुत महत्वपूर्ण है. Verse 5 onwards. उसका पांचवी पद से लेकर 2 Thessalonians chapter 1 verse 5. दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसका पांचवी पद. This is evidence of the righteous judgment of God that you may be considered worthy of the kingdom of God for which you are also suffering.
Verse 5. ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट स्मरण है, प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरे, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। We are considered worthy of the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य बना। It's a high kingdom. वो बहुत बड़ा राज्य है। It's a great sense of belonging to the King of Kings and the Lord of Lords. आमीन। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है वो राज्य। God has considered you and me worthy to belong to that great kingdom. परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया उस राज्य का व्यक्ति बनने के लिए। And according to the words, once we come into the kingdom, we take up suffering for the kingdom of God. परमेश्वर का वचन में जब आप परमेश्वर के राज्य में आते हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लिए कष्ट सहना जरूरी है। Straight away a question is very relevant here. How much do we suffer for the kingdom of God? हम परमेश्वर के राज्य के लिए कितना कष्ट सहना पड़ते हैं? This morning we talked about Jesus suffering for us. We sang that song, how much you suffered, how much you became a sacrifice for us. हमने सुबह का गाने में गीत में गाया था, परमेश्वर कितना कष्ट हमारे लिए सहा था क्रूस पर हमें बचाने के लिए। And when I was remembering the details of his suffering, it broke my heart and tears came out of my heart. मैं उस परमेश्वर के कष्ट को याद करते हैं, तब मेरा आंखों से आंसू निकलते हैं, क्योंकि उसका कष्ट को मैं याद करता हूं। And I was thinking, when God sees us suffering for Him, He also is broken in His heart toward us. जब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हम भी कष्ट सहते हैं, परमेश्वर की आंखों से आंसू निकलेंगे। Did you understand what I'm saying? मैंने जो क्या कहा था, आप समझ रहे हैं मेरा बात? When we remember Jesus suffering on the cross for us, we are broken in our heart toward God and grateful heart toward Him. जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर कष्ट सहा था, उसने हमारे लिए अपना शरीर को तोड़ा, क्रूस पर बलिदान हुआ, उस कष्ट को हम याद करते हैं, हमारा हृदय टूटते हैं, हम आंसू बहाते हैं। अगर ऐसा है, we want to do something for him, we want to worship him, we want to walk in his ways, we want to be his testimonies and witnesses in the earth. हम उसके लिए जीवन बिताना है, उसके गवाह बनना है, उसके लिए जीवन बिताना है। We feel like doing that when we remember his suffering for us. हम उसको करने के लिए हम आजाद हो जाते तब हम उसको याद करेंगे तब। Similarly, when we suffer for God, उसके समान जब हम यीशु के लिए कष्ट सहते हैं, same thing happens in the heart of the heavenly father. उसी के समान परमेश्वर के हृदय भी तब टूट जाते हैं। He develops a deep sense of attachment to us. आमीन। जब हम परमेश्वर के लिए कष्ट सहते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए कष्ट सहना पड़ते हैं, तब परमेश्वर उसी समान उसके हृदय भी हमारे लिए टूटते हैं और उसका प्रेम बढ़ते हैं। He wants to do something for you. वो सब सोचते हैं, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, आपको उस समय आपको ऊंचाई पर उठाना चाहते हैं। Because you have taken the trouble to suffer for the name of the Lord Jesus Christ. क्योंकि आपने यीशु का नाम से कष्ट सहा। Let me go on to verse 7. उसका सातवीं पद हम देखेंगे। To grant you relief to those who are afflicted as well to us when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire. और तुम्हें जो क्लेश पाते हैं, पाते हो, हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग में प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते। Your suffering is not going to continue forever. आपका दुख और कष्ट हमेशा के लिए सहना नहीं पड़ेंगे। Especially the suffering that you take for the Lord Jesus Christ. आप यीशु मसीह के लिए जो कष्ट सहते हैं, it will come to an end and he will be glorified in your suffering. आपका कष्ट का समय खत्म हो जाएगा, उसमें परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। People might blame you, people might ridicule you, mock at you, laugh at you for worshiping a God whom you cannot see. आपको देखकर लोग मजाक उठाते होंगे, आपको सताते होंगे, उस समय परमेश्वर देखते हैं। Each
nature of that opportunity is an opportunity for God to lift you and exalt you and glorify. वो सारे अवसर परमेश्वर आपको उठाने का एक जरिया बन जाते. There is a time when God is going to inflict judgment and vengeance on the people that have not obeyed the gospel of the Lord Jesus Christ. एक समय ऐसे आएगा जब परमेश्वर की बातों को ना मानते हैं, परमेश्वर की अनाज्ञाकारी बन जाते हैं, और उसके लिए परमेश्वर अपना क्रोध प्रकट करने का एक समय आएगा. The Bible says they will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might. वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर अनंत काल में परमेश्वर उनको जब कष्ट देते हैं, सताव देते हैं, उसकी अनाज्ञाकारिता का कारण. Let me focus on those two little words there now. हमें उसमें हम दो पदों में थोड़ा ध्यान दें. Those that do not obey the gospel of the Lord Jesus Christ. जो परमेश्वर मसीह का जो सुसमाचार को ना मानते हैं उसके बारे में. The two things that happen to them. उसको दो बातें होते हैं उनका जीवन में. We always think that they go to hell. हम सोचते हैं वो तो नरक में जाएंगे. Of course, people that have not received forgiveness, people that have not received cleansing by the blood, will go to hell. That is one real story that is in the Bible. यीशु मसीह की सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं, यीशु पर विश्वास नहीं करते, वो जरूर नरक में जाएगा. वो बात सच है. Because there is no other way of being forgiven for the sins that we have committed. क्योंकि दूसरा कोई और रास्ता है नहीं है पाप क्षमा पाने के लिए. All science, all knowledge, all religions have never come up with a real solution, a lasting solution for the defilement of sin in this world. कोई धर्म और कोई साइंस और कोई टेक्नोलॉजी किसी को पापों से छुड़ाने के लिए कोई और मार्ग है नहीं है. यही एक एक मार्ग है. The principle of life is that there is no remission of sins without the shedding of blood. एक तत्व ऐसा होते हैं लहू बहाने का बना पाप की मुक्ति नहीं होते. Actually, every religion follow the principle. हर एक धर्म उस तत्व को जानते हैं, उसको फॉलो करते हैं. But the only pure blood of a person that has never sinned was the blood of the Lamb of God, Jesus Christ. लेकिन एक ही लहू है, उसमें कोई झूरी या धाग नहीं थे, वो प्योर था, पवित्र था, वो यीशु का लहू था. Any blood cannot wash away the sins and defilements of our lives. कोई भी लहू हमारा पापों को धो नहीं सकता है. The pure blood of a spotless lamb had to be shed to wash the sins of people. जो पवित्र लहू है, जो जो झूरी और कलंक नहीं था, वो निर्मल लहू था, पवित्र लहू था यीशु का, वही हमें धोकर शुद्ध कर सकते. So it is true that people are not washed and forgiven, they will face the consequence of fiery hell. जिसका पाप क्षमा नहीं होते हैं, उसका पाप धोते नहीं है, उसका पाप का सजा तो उसको मिलना ही मिलना है. But that is not all of the punishment. लेकिन वो सब कुछ सजा पूरा नहीं है. I see a greater punishment actually. लेकिन उससे भी बढ़कर कुछ सजा हमें वचन में देते हैं. Hell is a very bad punishment. नरक एक बहुत बुरे सजा है. But in this Bible, in this verse, I see two greater punishments than hell itself. यहां पर उससे भी बढ़कर दो सजा हम देखते हैं वचन में. They will suffer the punishment of eternal destruction. वो तो अनंत काल की उस नरक में हमेशा के जो नाश के लिए जो सजा भुगतेंगे. Away from the presence of the Lord. आमीन. दूसरी बात है और परमेश्वर की उपस्थिति से वो हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं. Away from the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए दूर चला जाते हैं. That is a very great punishment to every human being. आमीन. वो मनुष्यों का जीवन की सबसे बड़ा सजा है. That is a great difficult punishment for any human being to handle. आमीन. मनुष्यों का जीवन की बहुत बड़ा मुश्किल का वो एक अवस्था है परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा दूर जगह. Let me tell you how a fish feels like when you take the fish out of the water and put it on the hot road. एक मछली को अगर आप पानी से निकाल कर एक गर्म सड़कों में रोड में आप डालेंगे. However big that fish is, however healthy that fish is, however happy that fish is going to really die in a few minutes.
जो मछली जितना भी बड़ा हो, जितना भी ताकतवर हो, जितना भी अच्छा हो, कुछ समय के अंदर वो मछली वो सड़क में मर जाएगी. Some people might take fish out of the river or the sea and put them in a little aquarium and keep them for some time. कुछ लोग सोचते हैं कुछ मछली को पकड़कर एक aquarium के अंदर कुछ समय के लिए डाल देंगे. Well, it can live for some time there, but you will see the quality of the life of that fish deteriorate and gradually it fades in color, it dies gradually in the aquarium. एक्वेरियम में आप डाल सकते हैं, कुछ समय तक वो रहेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद उसका असली रूप से वो कम होने लग जाते हैं, उसकी ताकतें खत्म होने लग जाती हैं. Why does this happen? क्यों ऐसे होते हैं? Because the fish is most thriving and comfortable in its own environment. क्यों ऐसे होते हैं? उसका कारण यही है क्योंकि मछली अपनी आप जो पानी में रहना, उस समुद्र में रहना, उसके लिए वही वातावरण ठीक है. फिश इज इट्स नेचुरल एंड वाटर इज द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द फिश. प्राकृतिक रूप में मछली को रहने का जगह है समुद्र. दिस मॉर्निंग आई हर्ड द मैन ऑफ गॉड से वन लाइन व्हेन ही केम अप हियर फ्रॉम द वर्शिप. मैं आराधना करने के समय एक शब्द बोला था. परिस्थिति इज गोइंग टू चेंज. परिस्थिति बदलने जा रहे हैं. He said, परिस्थिति इज गोइंग टू चेंज. परिस्थिति बदलने जा रहे हैं. What is wrong with the परिस्थिति? परिस्थिति में क्या प्रॉब्लम है? क्या कमी है? What is wrong with the environment that we are living in now? हम जो रहने वाला परिस्थिति में क्या कमी है? Why do we need a transformation of the environment? हम एक परिवर्तन हमारा परिस्थिति में क्यों चाहते हैं? People, let me tell you the secret of the word of God. मैं उसके लिए परमेश्वर की वचन की रहस्य को बताना चाहते हैं. You and I, who are imaged, who are made in the image and likeness of God, our natural environment is the intimate presence of the Almighty God. हम परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में बनाए हुए मनुष्य हैं, इसलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति है. साधारण रूप पर उसकी परिस्थिति हमारे लिए उत्तम परिस्थिति है. Did you receive the meaning of the word that I spoke to you now? आप उस बात का अर्थ को समझ पाया सच में? Your natural environment for healthy growth and fruitfulness is the intimate, close and circling presence of the living Almighty God. आपका प्राकृतिक वातावरण, आनंदित वातावरण वही हो सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में उसके साथ मिलकर रहना, इंटीमेसी और निकट संबंध में रहना हमारे लिए अच्छा वातावरण है. टेक द केस ऑफ अ लायन लिविंग इन अ ज़ू. हम एक सिंह को जब चिड़ियाघर में डालते हैं. सी, अ लायन इज रियली मोस्ट प्रोडक्टिव एंड हेल्थी इन डीप डेंस डार्क फॉरेस्ट जंगल. हमें मालूम है जो सिंह है, जो जंगल में अगर रहेगा वो ताकतवर है और उनका एनवायरनमेंट, उनका जो परिस्थिति उनके लिए अच्छा है. यू कैन फॉर द सेक ऑफ शोइंग टू पीपल ब्रिंग द लायन फ्रॉम द डीप जंगल इनटू इन द सिटी ज़ू एंड लेट पीपल सी द लायन. आप एक ज़ू में उस सिंह को लाकर डाल सकते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए. बट आफ्टर सम टाइम द लायन लूजेस हिज रियल लायननेस. इट बिकम्स लाइक अ टेम्ड कैट. वो सिंह का असली रूप और असलियत धीरे धीरे खत्म होने जाते हैं क्योंकि उसका एनवायरनमेंट वो ठीक नहीं. Why is that? Because it's been taken out of its original environment and put in a destructive environment for its personality. क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि उसका जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट होते हैं, उसके वातावरण होते हैं, उसमें से उसको निकाल कर आपने इसमें डाल दिया. Just like the fish has water as its environment. जैसे मछली को पानी समुद्र के अंदर उसकी प्राकृतिक वातावरण अच्छा है, has the deep jungle as its natural environment where it thrive and prosper. जंगल में जो सिंह को जो वातावरण अच्छा वातावरण होते हैं, वैसे you and I, the human beings created in the image and likeness of God, the greatest environment we need to thrive and prosper and be fruitful to the highest potential is to be in the intimate, close and circle
circling presence of the heavenly father. वैसे ही हम सबको अनंत और शांति भरा हुआ जीवन और अच्छे वातावरण में जीवन बिताना है, वो वातावरण, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में बनाए हुआ है। परमेश्वर का साथ निकट संबंध, उसकी उपस्थिति हमारे लिए उत्तम वातावरण है। The world has given us a wrong idea. If we live in a nice air-conditioned house, it's good environment for us. दुनिया ने हमें सिखाया है एक ऐसी रूम में रहना अच्छा वातावरण है। The world has taught us if we can live around lots of gold and lots of silver, lots of good materials, lots of money, we are going to be very happy and productive. दुनिया ने हमें सिखाया अच्छा वातावरण वही है, आपके पास बहुत सारे धन, सोना, चांदी, सब कुछ आपके पास है, उसी वातावरण ठीक है। That's a lie from the devil. वो झूठ है, शैतान ने डाला वो झूठ है। The world has taught us that we can be very productive, we can be very happy, we can be very joyful if we have a lot of good food and good things to eat and good things to wear and a nice place to enjoy and play. Well, that's a lie from the devil. हमें दुनिया ने हमें सिखाया अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाने के लिए है, रहने का जगह अच्छा है, तो वही वातावरण अच्छा है, लेकिन वो झूठ है, शैतान की झूठ है, वो वातावरण हमारे लिए ठीक नहीं। Most suitable environment for you and me is to be surrounded and circled by the Almighty God's presence, which makes you highly fertile, highly productive, highly fruitful, and great joy shall abound in your heart all the time. हमारा जीवन के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए, परमेश्वर का उपस्थिति में रहना, हमें हमारा जीवन के लिए, हम प्रोडक्टिव, हम आशीषित व्यक्ति, हम एक आशीषित जीवन बिताने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति की और उसके साथ निकट संबंध हमारे लिए उत्तम वातावरण। हालेलुया उस उपस्थिति के लिए और परमेश्वर की एक हालेलुया बोलिए। हालेलुया। Why is it that you feel such joy when you come into the presence of God? क्यों आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं आप आनंदित हो जाते हैं? Because this is your natural environment that God has made you to live in. क्योंकि ये वातावरण आपके लिए और हमारे लिए बनाए हुआ परमेश्वर की अच्छा वातावरण यही है। Why do all the masses in the world flock to temples and places of worship? Because they are seeking for the presence of the Almighty God, whom they know will build and make them productive and fruitful. जो समाज हमारा चारों तरफ बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, जाम, जो बनाते हैं, लोग चाहते हैं वहां पर जाकर परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करे और उसमें शांति पाए, वो आशीषित व्यक्ति बन जाए। People are really keen. Our spirits, our souls long for the presence of the Almighty God. Amen. परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हमारा आत्मा तरसते हैं, उसके लिए भागते हैं, जहां पर वो उपस्थिति मिलेंगे उसके लिए वो तरसते हैं। The psalmist says, as the deer panteth for the water, my soul panteth for you, Lord. भजन संगीता कहते हैं, जैसे हिरनी पानी के लिए तरसते हैं, वैसे मेरे आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तरसते हैं। So we people flock into different places, expecting and hoping for the real presence of God, but the world and religious deceive us by giving nakli duplicate things instead of the presence of the Lord. हम अलग अलग जगहों में यात्रा करते हैं, देखते हैं कहां पर परमेश्वर की उपस्थिति मिलते हैं और जगह जगह जाते हैं, नकली मिलते हैं, डुप्लीकेट मिलते हैं, ओरिजिनल परमेश्वर की उपस्थिति प्रभु यीशु का उपस्थिति में मिलता है। Our greatest need is to constantly enjoy and be encircled and be in the midst of the living God's presence. लोगों का बीच में परमेश्वर की उपस्थिति जहां पर होते हैं वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में हम आनंद पाते हैं। And to be away from the presence of God is a punishment for us. हमारे लिए सबसे बड़ा जो सजा है, सजा है परमेश्वर की उपस्थिति से, जब हम पाप में जीवन बिताते हैं, परमेश्वर को इनकार करते हैं, तो वो जीवन नरक में मिलते हैं, वो बहुत बड़ा सजा है। Let me give you one more little example before I close off here. आमीन। मैं एक और उदाहरण बताकर समाप्त करना चाहता हूं। Imagine a newborn baby. आप देख लीजिए, एक नया जन्म पाए हुआ बच्चे को याद करें। That baby now sticks the breast of his mother, starts sucking the milk and enjoying the warmth of the mother and is cozy and comfortable in there. एक माँ की दूध पीते हुए वो उसकी गोद में बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं।
imagine somebody coming and taking the child away from the breast of the mother and putting it in a separate room in darkness and trying to giving it, feeding it with other biscuits, apple, fruits and all, but it's disallowed from the love and tenderness of the mother's breast. अगर वो दूध पीने वाला बच्चों को आप उसकी दूध पीने की अवस्था से उसको छीन कर एक दूसरे रास्ते में रूम में जाकर डाले और उसको एप्पल दे, बिस्किट दे और भी कुछ दे, लेकिन वो बच्चा उसमें सुरक्षित नहीं है. Don't you agree that's a great punishment for the child? That's a great cruelty to the child to tear it away from the mother's bosom. आपको ये नहीं लगता है एक बहुत बड़ा सच्चा उस बच्चे के लिए आप कर रहा है उस माँ के जो गोद में से उसको दूध पीने की अवस्था से उसको खींच के ले जाना एक सजा तो नहीं है. Even if the child was living in a slum area, instead of taking the child from there and giving it in a palace, it is greater need for that child to live even in the slum in the bosom of the mother. एक बच्चा एक झुग्गी में रहते हैं और उसकी माँ की गोद में और उसके दूध पीने की अवस्था में वो बच्चा रहे और उससे उसको वहां से छीन कर आप बहुत बड़ा बंगला में लेके जाए और बहुत बड़ा रूम में डालेंगे तब भी वो बच्चा सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता. This is what the world has done to us. आमीन. यही दुनिया हमारे जीवन में किया. God is the El Shaddai, the multi-breasted father. आमीन. परमेश्वर El Shaddai है, वो बहुत अपना दूध पिलाने वाला बाप की जैसे है. Just like a little mother sticks the bosom of the mother, little child sticks the bosom of the mother, we are supposed to stick to the bosom and the presence of the heavenly father. आमीन. एक माँ की जो छाती पे एक बच्चा दूध पीकर सुरक्षित महसूस करते वैसे हम अपने परमेश्वर की छाती पे हम उसकी निकट बैठकर हमारा सुरक्षा हम महसूस कर सकते. The closer you get to the Father, the greater is the ambience and the greater is the environment that you will enjoy and fruitfully multiply. हम उसमें बने रहेगा, उसकी छाती पे मिलकर रहेगा, हम एक आशीषित और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते. It is wonderful for us to come and definitely enjoy the presence of God in the church like this. यहाँ पर आकर परमेश्वर की उपस्थिति में बहना बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत आनंदित बातें. If we can stay the whole day and night here, it's a beautiful thing because we are in the right atmosphere, right environment for us. यहाँ पर हम दिन रात समय बिताए बहुत अच्छा है क्योंकि ये वातावरण हमारे लिए बहुत अच्छे. But we have our responsibilities. लेकिन हमारा पास जिम्मेदारियां हैं. We have duties at home in the workplace. हमारा घर पे हमें जिम्मेदारी होते हैं, हमें काम करने की जगह में जाने की जरूरत है. He is to desire the presence of God and maintain the presence of God in all those areas. तो परमेश्वर हमारा अलग-अलग जगह में वातावरण में भी वहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति में हम बने रह सकते. It's a huge punishment for our human spirit when we are deprived of the presence of God. हमारा जीवन की सबसे बड़ा सजा वही है हम परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर चला जाते हैं. We are in an environment of sin and wickedness around us. हमारा चारों तरफ झूठ और पाप से भरा हुआ संसार है. You are in an environment of lust and corruption and selfishness and all kinds of angry animosity around people. हमारा चारों तरफ पाप है, शरीर की लालसाएं हैं और संसार की अभिलाषाएं, ये सब हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर सकते. All these things eat into your personality. आप अपना वो सारे वातावरण आपका व्यक्तिगत जीवन को खाते हैं. It crushes your human spirit. आपको आपका आत्मिक अवस्था को वो तोड़ते हैं. This environment is not good for us. वो वातावरण हमारे लिए अच्छा नहीं है. What we see in the society, what we see in places is not good for our personality. जो हम संसार में जो दिखते हैं, संसार में हम अनुभव करते हैं, वो वातावरण हमारे लिए ठीक नहीं है. We must get away from that as much as possible and constantly maintain the beautiful, intimate presence of the living God. वो सारी अवस्था से हम दूर जाकर, जल्दी से दूर भागकर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, वो हमारे लिए उत्तम बात. Father, I pray for this wonderful people of God this morning. पिता परमेश्वर में ये सब प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ इस सुबह. Lord, there is nothing greater, nothing more beautiful, nothing more wonderful, nothing more desirable than you and your presence in this world.
प्रभु आपकी उपस्थिति से बढ़कर इस संसार में और कुछ भी अच्छा नहीं है प्रभु. We thank you for the wonder of your presence in places of worship like this. प्रभु आपकी उपस्थिति से भरा हुआ इस आराधना जगह के लिए आराधना सभा के लिए हम धन्यवाद करते हैं. Lord, you considered us worthy to be in the kingdom and to be in the king's presence all the time. हमें आपने हम पर अनुग्रह किया है आपके राज्य में और आपकी उपस्थिति में उस राजा की उपस्थिति में रहने के लिए.